हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है आलू पालक की सब्जी। ये बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सब रेसिपी को बच्चे और बड़े सभी लोग को पसंद आती है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि इन्ग्रीडियंट्स में हमें क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम आलू लेंगे, पालक को बारीक काट लेंगे धो करके अच्छे से, प्याज लेंगे एक, और हरी मिर्च, लाल मिर्च, जीरा, टमाटर, अदरक, लहसुन को बारीक काट लेंगे। तो जितना आपकी क्वांटिटी है उस हिसाब से आप सारी चीज़ों को ले लें। अब कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और तेल गरम करने के बाद उसमें हम आलू को फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तो आलू को हमें हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जब आलू हल्का ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमें ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है फ्रेंड्स, हल्का ही ब्राउन करना है आलू को। फ्राई हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम अब वापस से इसी कढ़ाई में बाकी के इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे। सबसे पहले हम जीरा और लाल मिर्च डालेंगे और साथ ही अदरक और लहसुन को भी तेल में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अदरक लहसुन आप उतने ही क्वांटिटी में लें जितना कि आपका साग है। मैंने ज़्यादा अमाउंट में लिया है क्योंकि साग मैंने ज़्यादा लिया है। और साथ ही इसके साथ हम इसे हल्का फ्राई होने देंगे अदरक लहसुन को आधे मिनट तक। लाइट ब्राउन होने के बाद फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स को इसमें ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप जैसे कि देख सकते हैं ये हल्का ब्राउन हो गया। तो अब हम इसमें हरी मिर्च और प्याज को ऐड करेंगे। प्याज और हरी मिर्च को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए प्याज जो है, मैं जूम करके दिखा रही हूँ, प्याज, अदरक, लहसुन जो भी मैंने डाला था वो अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में मैंने हींग लिया है, धनिया, हल्दी और लाल मिर्च। हींग, धनिया, हल्दी और लाल मिर्च लिया है। हींग मैंने स्टार्टिंग में डालना भूल गई थी तो मैंने अभी इसमें ऐड कर दिया है हींग को। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इन सारी मसालों को मिक्स कर लेंगे। इन सब के अलावा और कोई दूसरा मसाला यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और कि अदरक लहसुन का पेस्ट भी आप ऐड कर सकते हो। अगर आप अदरक लहसुन को बारीक काट के नहीं दिए हो तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अब चलते हैं मसालों की ओर। मसालों को मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड इसलिए किया दोस्तों तो ताकि मसाले जो है वो जले नहीं। और अब मैं इसमें बारीक कटे टमाटर को ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, टमाटर को मैंने आधा ही लिया है। आधा इसलिए क्योंकि अगर ज़्यादा टमाटर दे दो और उसका फिर खट्टा टेस्ट आ जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ज़्यादा टमाटर यूज़ नहीं किया। अब टमाटर को मैं इन मसालों के साथ मिक्स कर दूंगी। टमाटर को मिक्स करने के बाद तुरंत ही मैं इसमें फ्राई किए हुए आलू भी डाल दूंगी जो मैंने फ्राई करके रखा था। इन आलू को भी मिक्स करूंगी मसालों में। और इनको मिक्स करने के बाद मैं पालक का साग ऐड कर दूंगी। इन सारे प्रोसेस में फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि नमक हम अभी ऐड नहीं करेंगे। नमक हम लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं अभी क्वांटिटी कितना ज़्यादा लग रहा है। जब ये गल जाएगा, क्योंकि पालक साग बहुत पानी छोड़ता है और जब ये
पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा मसालों में और गलने लगेगा, तो ये इसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी। तो जब पालक पक जाएगा, सब्जी हमारी पकने लगेगी और क्वांटिटी इसकी कम होने लगेगी, जब लास्ट स्टेज पे मतलब एंड में ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। फ्लेम हमें लो ही रखना है फ्रेंड्स। मैं सारे मसालों को और साग पालक साग को एक साथ मिक्स कर रही हूँ ताकि सारे मसाले जो हैं वो साग में अच्छे से मिक्स हो जाए पूरी तरह से, कोई मसाला नीचे ना जमा रह जाए। इसलिए आप भी दोस्तों इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। सब्जियों को मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके कुछ देर के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते होंगे कि ये पानी का वेपर कितना ज़्यादा दिख रहा था आपको लीड पे। अब ये देखिए फ्रेंड्स पानी कितना छोड़ा है साग। ये अभी साग हमारा पका भी नहीं है, इसमें और समय लगेगा, 5-7 मिनट 8 मिनट समय लगता है पानी साग को छोड़ने में। और आप इसकी क्वांटिटी देख सकते होंगे फ्रेंड्स, इसकी क्वांटिटी घट गई है पहले से। और अभी वापस से इसे हम उसी तरह से कवर करके छोड़ देंगे ताकि यह और अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि साग अभी बिल्कुल भी नहीं पका है। वापस से हम इसे ढक देंगे दोस्तों और बीच बीच में ध्यान रखिएगा कि बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। कुछ देर बाद मैंने फिर से लीड हटा के चेक किया सब्जी को। ये देखिए फ्रेंड्स आलू जो है वो लगभग पक चुकी है। वापस से साग का कलर अभी और चेंज होगा, तो वापस से हम फिर से इसे ढक के पकाएंगे। इसे थोड़ी देर बाद हम फिर से लीड हटा के चेक करेंगे, तो आप देख लीजिए क्वांटिटी फ्रेंड्स, साग की क्वांटिटी कितनी हुई है। तो उस हिसाब से हम नमक इसमें ऐड करेंगे। मैंने नमक ऐड कर दिया है फ्रेंड्स, और उसी हिसाब से आप अपना जो भी क्वांटिटी होगा आपके साग का उसी हिसाब से हल्का नमक ही डालिएगा। तेज़ नमक अगर हो गया तो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, पूरी तरह से वो ख़राब हो जाएगा और आप खा भी नहीं पाइएगा, ये तो आप सब जानते ही हैं। हम चेक कर लेंगे कि हमारी सब्जी जो आलू है वो पकी है कि नहीं। आलू अच्छी तरह से पक चुकी है और नमक को ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों और कितना ज़्यादा पानी छोड़ चुका है साग, तो हम इसे और पकाएंगे कम से कम 5 मिनट और इसे पका लेंगे और इसे ढक करके छोड़ देंगे पकने के लिए। थोड़ी देर बाद फिर हम लीड हटा के देखेंगे दोस्तों, तो देखिए साग अब रेडी हो गया है, साग पक चुका है। साग का कलर भी आप देख सकते होंगे चेंज हो चुका है, ग्रेवी जो है वो ड्राई हो गई है। आपको जो टेक्सचर रखना हो फ्रेंड्स आप वो टेक्सचर रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा रस वाला चाहते हैं सब साग का टेक्सचर रखना, आप वैसे भी इस तरह से भी रख सकते हो, या फिर अगर आप और थोड़ा ड्राई करना चाहते हो ग्रेवी तो आप वैसे भी रख सकते हो। मैं थोड़ा सा और ड्राई कर लूँगी। अब इस स्टेज पे मैं फ्लेम हाई कर दूँगी और फ्लेम हाई करने के बाद इसका जो ग्रेवी है उसे थोड़ा ड्राई कर लूँगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये रेडी हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे कुछ देर के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद जब ये ठंडा होगा तो हल्का ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे सर्व कर लेंगे। सब्जी हमारी रेडी हो गई फ्रेंड्स, मैंने सब्जी को सर्व किया है रोटी के साथ। आप भी इस रेसिपी को बनाइए और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।